रजनीकांत पांडे, अमर उजाला डिजिटल पेज से मऊ से। हम पलहा ब्लॉक के लकौड़ी गांव में खड़े हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे वो विद्यालय, वो सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो जिले के 500 से ज्यादा कॉन्वेंट स्कूलों को फेल कर रहा है। हम पहले आपको दिखाएंगे ये इनके दीवार पे इस स्कूल की सर्व सुविधा के बारे में बताया गया क्या क्या है। आप देख सकते हैं आईसीटी सुविधा अनुसार है ये प्राथमिक विद्यालय में। अब हम इस विद्यालय में एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस विद्यालय का माहौल क्या है, क्या क्या सुविधा है। नमस्कार, आइए इस विद्यालय के आपको प्रधानाचार्य जी से मिलाते हैं। सतीश सिंह जी हैं और आप देखिए इस माहौल में घुसते ही, इस स्कूल में आते ही पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा संदेश देता हुआ माहौल लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा माहौल। सतीश जी बताइए, आप माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पर्यावरण संरक्षण का आप संदेश देने के लिए कोशिश की गई है। हमारे बच्चे बड़े जी जान से लगे रहते हैं। जी जी, बच्चों की मेहनत है, बच्चों का अपना परिश्रम है, उनकी लगन है। जी, बच्चे पौधों की देखभाल, पानी डालना, पौधे लगाना, ये सब बच्चों के साथ मिलकर हमने किया हुआ है। यहाँ सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का ही नहीं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को भी फोकस किया गया है। मैं वहाँ दिखाना चाहूंगा, ये एक ऐसा मात्र पहला सरकारी विद्यालय है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा है। और ये सीसीटीवी कैमरा विभाग द्वारा नहीं लगवाया गया है, ये श्री सतीश सिंह की देन है। आप इस पे कुछ बताइए। जी, जब मैंने विद्यालय को शुरुआत किया था, कुछ चीजों को जोड़ना शुरू किया स्कूल से, तो यहाँ कुछ असामाजिक और अपराधी किस्म के तत्व जो हैं वो नुकसान करते थे, चीजों को उठा ले जाना, तोड़ देना। तो कोई चौकीदार तो हमको मिलता नहीं। जी जी, स्कूल टाइम में हम रहते हैं उतनी देर तक हम इसकी जो सुरक्षा कर लें। उसके बाद की देख रेख के लिए अब जरूरी लगा कि हम सीसीटीवी कैमरा लगे, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास था नहीं। ये क्या आपने अपने पास से लगाया? हाँ जी, अपने पास से लगाया, हमारी चीजें सुरक्षित रहे। उसके बाद से जो घटनाएं होती थी, हाँ वो कम हुई, बहुत कम हुई। हम आपके स्कूल का थोड़ा भ्रमण करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं फलदार वृक्ष भी है। ये देखिए अमरूद तथा ये आवड़ा है। हम सबसे पहले इस स्कूल की किचन से शुरुआत करते हैं जहाँ मध्याह्न भोजन बनता है बच्चों को। हम दिखाएंगे और क्षमा चाहेंगे जूटा से। ये वाकई में किसी के घर का किचन जैसा होता है ना, वैसा किचन लग रहा है। आप देख सकते हैं हर सामान डब्बे में पूरा सुरक्षित और अच्छे से रखा गया। ये नहीं कि बर्तन भी काफी साफ सफाई से, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी सरकारी स्कूल का किचन है। और आइए अब इनके स्कूल के दूसरे कमरों में चलते हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, देखिए वहाँ क्या क्या व्यवस्था है। जो कॉन्वेंट स्कूलों के टर्च पे ये कौन सी क्लास है? अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन लगी है, टीवी है, बच्चों के लिए डिजिटल के लिए कंप्यूटर, आप बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी है और बेंच भी आप देख सकते हैं कि काफी मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करके इस कमरे को किसी कॉन्वेंट स्कूल के टच पे ही विकसित किया गया है। कौन, क्या नाम है बेटा आपका? आचार्य। उनका प्रार्थना कक्ष है जहाँ बच्चों को कई चीजों के बारे में शिक्षा देते हैं। जैसे देखिए, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महापुरुष प्रधानमंत्री आपके महान कवि महापुरुष स्वतंत्रता संग्रामी सबके बारे में इन्होंने फोटो सेट किया है जिससे बच्चे प्रार्थना के समय इन महापुरुषों के बारे में जान सके। और साथ में ही उनकी सुविधा के लिए यहाँ गर्मी में पंखे भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं स्पीकर भी हर कमरे में लगा हुआ है। और यहाँ पे अपन दूसरी क्लास में आते हैं।
कैसे हो आप लोग? अच्छे। What is in the basket? There is food and vegetables in the basket. आप प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कंप्यूटर है, सीसीटीवी कैमरा है, यानी हर कमरे की मॉनिटरिंग होती है। टोटल कितने कमरे लगे हैं? 11 कमरे। कितने यहाँ कक्ष हैं इसको? 6। ठीक है, बैठिए। ये इनका प्ले ग्रुप का है, पहला कक्षा। देखिए बच्चों को खेलने के लिए पूरा खिलौने और अन्य चीजें हैं। यहाँ खेल खेल में बच्चे पढ़ना सीखते हैं। कानूनी स्कूलों के तर्ज पे सब कुछ है इनके पास। कैसे खेल खेल में बच्चों को क्या पढ़ाना है आप देख सकते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? बताइए, नाम बताइए। क्या पढ़ रहे हैं अभी? आप देख सकते हैं कि ये मैम क्या है, सर ये ब्लॉक्स है। अच्छा। हाँ, इसकी हेल्प से हम इनको काउंटिंग सिखाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। जी, क्या नाम है? एडिशन कर रहा है। आई एम सुनीता। जैसा कि मैम ने बताया, देखिए मैम कितने बच्चे हैं इस कक्षा में? सर एक्चुअली मैं बालवाटिका और आंगन क्लास वन दोनों बैठते हैं। ओके, बालवाटिका के 5 बच्चे हैं और 10 बच्चे क्लास वन के हैं। ओके, अब हम स्कूल के एक्टिविटी हॉल में आए हैं, जहाँ कल स्कूल प्रधानाचार्य के व्यापारी दोस्त थे जो कुछ दिन पहले आए थे अपने दोस्त से मिलने, सतीश जी से। उन्हें गर्मी का एहसास हुआ तो उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए एसी भेंट किया। आइए, वो एसी सावन का पहला दिन ही इंस्टॉल करवा दिया गया है एक्टिविटी हॉल में, और आप देख सकते हैं। और ये जिले का पहला एसी वाला स्कूल बन गया है सरकारी स्कूल। और आप तो मैं दिखाना चाहूंगा कि एक्टिविटी हॉल में बच्चे अपने मैम टीचर के साथ कुछ वाही में जुटे हैं। क्या नाम है बच्चों आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका पिता? कैसा लग रहा है एसी में पढ़ने में, एक्टिविटी करने में कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल में एसी लगी। और क्या एसी लगने से और क्या फीलिंग आ रही है, क्या निकल के क्या अच्छा लग रहा है? एक्टिविटी करेंगे ना तो अब बहुत देर तक करेंगे। बहुत देर देर तक करेंगे मतलब एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। हम वापस आते हैं, सतीश जी से बात करते हैं। आपका स्कूल तो पहला एसी वाला हो गया, और जैसा कि आपने बताया कि एक एसी दो माह बाद मिलने तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक मिसाल के तौर पे देखा जाएगा। और क्या स्कूल के लिए आप प्रयास में लगे हैं कि स्कूल में और बेहतर हो सके, यहाँ के बच्चों को और कॉन्वेंट स्कूलों के तर्ज पे आप बेहतर? मैं तो जन सहयोग से लोगों के सहयोग से बहुत कुछ मैंने कर लिया है। विद्यालय में फिलहाल कोई कमी नहीं है, बच्चों की शिक्षा उनकी सुविधा से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध हैं। आज एक एसी भी लग गया, 2 महीने बाद एक और मिल जाएगा, तो मेरा एक कमरा बहुत खराब है वो भी सही हो जाएगा। अब मैं आपके माध्यम से अपने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर विद्यालय को प्रशासनिक सहयोग से सोलर सिस्टम की व्यवस्था मिल जाए तो मैं इसे और आगे ले जाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।